पन्नगर स्थित सिटकुल के सेक्टर 3 प्लॉट स्थित लुमेन इंडस्ट्री लिमिटेड में देर रात आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। धुआं उठता देख सुरक्षा में तैनात कर्मचारी ने मामले की सूचना फैक्ट्री प्रबंधक और अग्निशमन विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम द्वारा दर्जनों फायर के वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार इस फैक्ट्री में वाहन के फिल्टर तैयार किए जाते हैं। अचानक लगी आग से लाखों रुपए का नुकसान होने की संभावना लगाई जा रही है। उधमसिंह नगर के CFO वंश बहादुर सिंह ने बताया कि देर रात अग्निशमन विभाग को सूचना मिली थी कि सिटकुल की एक फैक्ट्री में आग लगी हुई है, जिसके बाद मौके पर वाहनों को भेजा गया, लेकिन आग इतनी अधिक तेज थी कि सभी वाहनों को आग बुझाने के लिए लगाया गया। लगभग 10 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग लगने के कारणों का पता किया जा रहा है, साथ ही आग से लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया है। पेपर स्टोरेज में जो यूज होता है फिल्टर बनाने में, पेपर इसमें लगी और अभी तक फायर फाइटिंग चल रही है, लेकिन आग पूरी तरह से कंट्रोल कर ली गई। अब केवल सुलग रही है, उसी को बुझाया जा रहा है। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा इसमें? लगभग अभी तो अनुमान लगाया जा सकता है, कुछ परफेक्ट नहीं बताया जा सकता, लेकिन आज करोड़ों में जाएगा। सर कितने वाहनों की मदद से आग बुझाई गई है? ये 10 वाहन आए थे। सर कितना समय लगा आग बुझाने में? लगभग इस समय लगभग हमें लगा 11:30-12 बज रहा है, तो लगभग जो है 12 घंटा होने।